तो इसको हम देखते हैं, नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स कैसे रहते हैं। पहले तो ये समझे स्पायरो कंपाउंड है क्या भाई। ये बाई साइक्लो थे, लेकिन अगर दो साइकिल किसी एक एटम पे मिले, पहले दो एटम पे मिलती थी यानी दो कॉर्नर एटम होते थे, अब कितने, एक ही है यानी एक ही ब्रिज एटम है, इसको ब्रिज एटम भी बोल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्पायरो। यानी हम यहां बोल सकते हैं इफ टू साइकिल अटैच्ड बाय वन कॉमन एटम, जिसको क्या लिखेंगे, ब्रिज ब्रिज एटम, देन इट इज नॉन बाय, इट इज नॉन बाय बाई स्पायरो, इट इज नॉन बाय स्पायरो कंपाउंड। एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक तरफ चार है और एक तरफ कितने, तीन है, ठीक है। और इसमें से सिर्फ दो ही रहेंगे, तीसरी से अलग से दिख ही नहीं रही है आपको पार्ट, तो इसको बोलेंगे हम, जब भी इसका नाम लिया जाएगा तो कैसे नाम लिया जाएगा, स्पायरो ब्रैकेट, और पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर था, यहाँ पर क्या रहेगा, इनक्रीजिंग, वन टू थ्री कॉमा फोर, वन टू थ्री फोर, थ्री कॉमा फोर, इनक्रीजिंग ऑर्डर, स्पायरो, चार तीन सात और एक आठ, ऑक्टेन, बस इस तरह से हम नाम लेंगे इसका। को समझ में आई बात, तो चलिए इसका नाम क्या होगा, स्पायरो, वन टू थ्री फोर, वन टू टू कॉमा फोर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, चार और दो छः और एक सात, हेप्टेन, सही है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। एक और एग्जांपल, डू योर सेल्फ, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, फोर कॉमा फाइव, डेकेन, लिखें इसको, अच्छे समझ में आ गया, बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट।